If you want to live long and healthy, I have the perfect recipe for you. Right after the music, more about this herb. Hello friends, welcome to Ella's Magic Pan. And magically today, we are going to just roast some tilal in the pan, that is white sesame seeds. और उसको हम डालेंगे एक delicious चटनी में. ये चटनी आपको skin disease से बचाएगा, आपका brain power बचाएगा, आपका liver को heal करेगा and बहुत लंबी उम्र देगा. It is known as gota cola. In the Asiatic countries, जैसे इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, लोग इस herb को डाल के चिकन और दूसरे dishes बनाते हैं. हम इसकी चटनी बनाते हैं. ये यूरोप और अमेरिका में ointment के तौर पे बनाया जाता है, यूज किया जाता है. इसके ढेर सारे गुण हैं, मैं आगे आपको बताती जाऊँगी, आप सुनते जाना. बहुत इंटरेस्टिंग हर्ब है, बहुत इजीली अवेलेबल है और इसके गुनागुण अनेक है. लेट्स गो टू द किचन. आज तृष्णा मेरे साथ ये रेसिपी बना रही है. शी इज ईगर टू लर्न एंड ट्राई इट इन हर किचन. लेट्स गो टू हर किचन टू. इस गोटा कोला यानी कि थानकुनी पाता हम बंगाली में जिसको बोलते हैं, दिस ग्रोस इन द वाइल्ड. इसका ये देखिए, पेड़ के नीचे उगा हुआ था ये बंडल. आज हम मार्केट से लाए हैं. इसको अच्छे से धोएंगे, साफ़ करेंगे और इसके स्टॉक्स जो हैं उसको निकाल देंगे. तो ये देखिए, पत्ते साफ हो गई है और इसको अच्छे से धो करके इसको मिक्सर जार में डालेंगे. मैजिक पैन में आज हम तिल को रोस्ट कर रहे हैं. As we roast the sesame seeds, a beautiful roasted aroma will come and cool it down before you add it to the green leaves. और ये हो गया, इसमें दो चार लहसुन के कलियाँ डाल दिए, roasted तिल डाल दिया और इसको पीसना है. ये देखिए, this is extremely good for healing a lot of things. ये देखिए चटनी बन गई है और ये a dash of mustard oil ये enhance करेगी इसकी taste और flavor को. हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा ये recipe? Quick, easy, simple चटनी. आप गरम गरम चावल के साथ खा सकते हो, आप इसको पराठा और रोटी के साथ भी शायद खा सकते हो. Anything to get a fit and healthy liver and the other functions, right? On that note, before you go, don't forget to subscribe, continue watching us, continue supporting us. Lots and lots of love from Ella's Magic Pan. Ella ki nani ki taraf se, dher sara pyar. Bye for today.